हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिल्वर जोन फाउंडेशन ओलंपियाड एग्जाम। आज हम जानेंगे सिल्वर जोन ओलंपियाड एग्जाम क्या होता है, इसे कौन कौन से बच्चे दे सकते हैं, उसका सिलेबस क्या होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, उसका रजिस्ट्रेशन आप कब कर सकते हैं। तो इन सभी बातों के लिए और अवार्ड एंड पुरस्कार क्या मिला जाता है, तो इन सभी के लिए आप हमारे वीडियो पर बने रहें। तो चलिए इसको स्टार्ट करें। वेलकम टू माई चैनल, माई पाठशाला वही नीतू निगम। जानेंगे बेनिफिट्स ऑफ सिल्वर जोन ओलंपियाड। सिल्वर जोन ओलंपियाड एग्जाम देने के क्या बेनिफिट्स हैं? यह एग्जाम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की एग्जाम होती है, जो क्लास फर्स्ट एंड से 12th तक के बच्चे इसे दे सकते हैं। ओलंपियाड एग्जाम देने से बच्चों में रीजनिंग एबिलिटी बूस्ट होती है, उनकी कैपेबिलिटी बेटर हो जाती है, साथ ही स्टूडेंट में एनालिटिकल स्किल का डेवलपमेंट होता है। ओलंपियाड एग्जाम देने से बच्चों में बेटर अंडरस्टैंड हो पाता है, साथ ही क्लास में जो उन्हें सिखाया जाता है उसे और अच्छे तरीके से उसके कॉन्सेप्ट को वो सीख पाते हैं। साथ ही बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और वो किसी भी प्रकार के अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ईजली पार्टिसिपेट कर पाते हैं। अब हम जानेंगे कि इस प्रकार के एग्जाम में कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो क्लास फर्स्ट से 12th तक के सभी बच्चे इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिलेबस होती है CBSE, ICSE एंड वेरियस स्टेट बोर्ड के जो क्लास वाइज सिलेबस होते हैं, ऑलमोस्ट वही सिलेबस होते हैं इस प्रकार के ओलंपियाड एग्जामों में, लेकिन उनके क्वेश्चन पूछने के पैटर्न चेंज हो जाते हैं। उन्हें डीपली जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं वही बच्चे इस प्रकार के एग्जाम को कंडक्ट कर पाते हैं, एग्जाम को दे पाते हैं और उसे क्रैक कर पाते हैं। एग्जाम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सिर्फ आप स्कूल के द्वारा ही कर सकते हैं। अब हम जानेंगे क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। हर एक क्लास के लिए क्वेश्चन का पैटर्न डिफरेंट होता है और क्वेश्चन का पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, अर्थात MCQ होता है, जिसमें एक क्वेश्चन के चार ऑप्शंस रहते हैं और एक आंसर उसके सही होते हैं, जिसे आपको OMR सीट पर फिलअप करना होता है, गोला बनाना होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जबकि पिछले ओलंपियाड एग्जाम में आपने देखा था कि वहाँ पर निगेटिव मार्किंग होती थी। इंडियन स्कूल टैलेंट सर्च एग्जाम ओलंपियाड में हमने आपको बताया था कि वहाँ पर निगेटिव मार्किंग होती है रॉन्ग आंसर के लिए, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं सिल्वर जोन ओलंपियाड में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। टोटल मार्क्स 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं एंड क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड के लिए 40 मिनट का टाइम दिया जाता है एंड क्लास थर्ड से 12th के लिए 50 मिनट का टाइम रहता है। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड के लिए 25 क्वेश्चंस रहते हैं, क्लास थर्ड एंड फिफ्थ के लिए 30 क्वेश्चंस रहते हैं, क्लास 6 to 8 के लिए 35 क्वेश्चंस रहते हैं एंड क्लास 9 to 12 के लिए 40 क्वेश्चन रहते हैं। द मीडियम ऑफ द टेस्ट इज इंग्लिश ओनली, यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश में ही एग्जाम होते हैं, अदर कोई भी लैंग्वेज में इसमें एग्जाम नहीं लिए जाते हैं। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट में यहाँ पर एग्जाम होता है। पहला है इंटरनेशनल इंफॉर्मेटिक ओलंपियाड, अर्थात साइबर या कंप्यूटर ओलंपियाड भी इसे हम कहते हैं। सेकेंड इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ मैथमेटिक्स, थर्ड इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ साइंस एंड फोर्थ इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, फिफ्थ स्मार्ट गेट GK ओलंपियाड एंड सिक्स इंटरनेशनल सोशल स्टडीज ओलंपियाड, सेवन अखिल भारतीय हिंदी ओलंपियाड एंड एट इंटरनेशनल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी ओलंपियाड। यहाँ पर ध्यान दीजिए 6, 7 and 8 सोशल स्टडीज एंड हिंदी ओलंपियाड अदर ओलंपियाड में इस पेपर से ओलंपियाड नहीं लिए जाते हैं, जबकि यहाँ सिल्वर जोन में सोशल स्टडीज और हिंदी से भी आपको ओलंपियाड करवाए जा रहे हैं। साथ ही 8 नंबर का पेपर जो है इंटरनेशनल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी ओलंपियाड, इसे एक अलग सब्जेक्ट के रूप में ही एग्जाम लिया जा रहा है, जबकि अदर ओलंपियाड में इसे सभी सब्जेक्ट के साथ में ही इसके क्वेश्चंस को ऐड किए जाते हैं, जबकि यहाँ सिल्वर जोन ओलंपियाड में एक पेपर के रूप में भी इसका एग्जाम लिया जाता है अलग से और साथ ही
सभी पेपर के साथ इसके क्वेश्चन अटैच रहते हैं। सपोज कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, जीके, इन सभी में भी रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस मिक्स किए हुए रहते हैं। अब हम जानेंगे सिल्वर जोन रजिस्ट्रेशन 2022। टेंटेटिव डेट हम जान लेते हैं। एबिलिटी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म 1st week of July 2022। लास्ट डेट ऑफ सबमिट टू द एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट वीक ऑफ अगस्त 2022। रिलीजिंग ऑफ एडमिट कार्ड द 1st week of September 2022। डेट ऑफ एग्जामिनेशन द 1st week of November 2022 एंड द 2nd week of December 2022। एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फरवरी एंड मार्च 2023। पुरस्कार एंड सम्मान 2021 के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। प्रथम स्थान पाने वाले बच्चों को 7,500 रुपया कैश प्राइज दिया जाता है और उन्हें सर्टिफिकेट एंड सेल्फ भी साथ में दिए जाते हैं। सेकंड स्थान पाने वाले बच्चों को 5,000 रुपये कैश प्राइज एंड सर्टिफिकेट्स। थर्ड स्थान पाने वाले बच्चों को 2,500 रुपये कैश एंड सील्ड और सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। एंड चतुर्थ से 500 स्थान पाने वाले बच्चों को उपलब्धि प्रमाण पत्र के साथ पुरस्कृत किया जाता है और साथ ही बहुत सारे अदर प्राइज भी रहते हैं जो बच्चों के रैंक के हिसाब से उन्हें दिए जाते हैं। इस ओलंपियाड में सबसे अच्छी बात यह है कि यह ओलंपियाड खुद ही स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करता है। इसके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर खुद स्टडी मटेरियल आप यहाँ से ले सकते हैं। सबसे पहले कोई भी ओलंपियाड एग्जाम तैयारी करने से के लिए सबसे पहले बच्चों का टेक्स्ट बुक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद उसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर, ऑलमोस्ट 5 या 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए और उसके बाद ही इस प्रकार के ओलंपियाड एग्जाम के बुक को सॉल्व करना चाहिए। तो उसके बाद वो इजी वे में किसी भी ओलंपियाड एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं और साथ ही प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और साथ ही आपको मैं ये भी बता दूं कि नेक्स्ट मैं आपको सिल्वर जोन ओलंपियाड के क्लास वाइज सिलेबस एंड सैम्पल पेपर भी लेकर आ रही हूँ, जिसे देखना आप ना भूलें, जिसकी मदद से आप अपने बच्चों को घर पर तैयारी करवा सकते हैं। और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। थैंक यू।